स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सीखे में। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी ओल्ड CD को रिस्टोर करके एक पावरफुल एम्पलीफायर किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक CD है, DVD प्लेयर है, जिसमें आप देख सकते हैं चूहे ने पूरा यहाँ काट दिया है सारे वायर सब। और ये अब ऑन तो आपको करना नहीं है, आपको ऑन करेंगे तो ये पूरा का पूरा सर्किट ख़राब हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको एक एक करके सारे सर्किट को दिखाऊंगा। तो ये यहाँ देख सकते हैं कितने सारे प्रॉब्लम हैं। और इसका वीडियो प्ले नहीं होगा दोस्तों अब, क्योंकि उसके लिए चाहिए एक्स्ट्रा वायर जो मेरे पास नहीं है अभी। और ये है एम्पलीफायर सर्किट, तो ये हमारा मेन सर्किट है, इसी का यूज़ करके हम पावरफुल एम्पलीफायर बनाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ सर्किट है, IC लगे हुए हैं जिसका नंबर मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये अभी मैं ऐसे खोलूँगा तब बताऊँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक पावर सप्लाई है छोटा सा, और ये मेन पावर सप्लाई है जो 240 वोल्ट को कन्वर्ट करके 12 वोल्ट तक में लाता है। और इसमें भी थोड़े से डैमेज चूहे ने दिए हैं, तो इसे भी करना होगा ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं मैं आपको एक एक करके दिखाऊँगा। तो ये पीछे वीडियो गेम के लिए था, तो इसका हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं निकाल लूँगा। और वीडियो प्लेयर में इससे जो सारे वायर आए हैं मैं उसे भी निकाल लूँगा। और ये हमारा मेन मदरबोर्ड है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ वायर कटे हुए हैं, तो ये ग्राउंड के लिए मेनली यूज़ होता है, तो इसे बाद में रिपेयर कर देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं मेन 12 वोल्ट DC जो आता है उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि वायर सब कटे हुए हैं, तो इसे भी रिपेयर करेंगे। तो यह देख सकते हैं ये पूरा चूहे ने काट दिया है, तो इसे। और ये है मेन वायर जो पावर सप्लाई से आते हैं मदरबोर्ड में, वो भी टूटा हुआ है, तो इन सब को रिप्लेस कर नहीं करूँगा, उसे ही रिपेयर करके लगाऊंगा। अगर आपके पास न्यू है तो आप न्यू लगा सकते हैं कंडक्टर, मेरे पास नहीं है तो मैं इसे ही कुछ कर सोल्डिंग कर दूँगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं मैंने 5 वोल्ट सप्लायर जो है, और ये नीचे IC लगा हुआ है, ट्रांसिस्टर लगा हुआ है, और इनमें से सारे वायर कटे हुए हैं, तो इन्हें एक एक करके मैं निकालूंगा। और इसमें वायर को देखते हुए मैं सबको न्यू वायर लगा दूंगा, इस तरह से मेरे सर्किट डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे। लास्ट में मैं आपको वीडियो में ऐसे टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि हमारा कनेक्शन सही से हुआ कि नहीं। और ये देख सकते हैं ये वही मेन सप्लाई है जिसका पूरा तार कट चुका है, मैं आपको दिखाऊँगा, इसे निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं वीडियो, ये ऑडियो आउटपुट का ये है जिसका कट गया पूरा तार, तो इसे आप देख सकते हैं ये हमारा मेन सप्लाई था जो पूरी तरह से कट गया है, इसे हो सके तो रिप्लेस कर दे, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं इसे ही कुछ जुगाड़ लगाता हूँ या सोल्डिंग कर देता हूँ। 2000 years later. तो अब ये हमारा एम्पलीफायर का सर्किट है जो मेन हमारा है, तो इसमें भी मैं सोचा कि देखता हूँ कुछ सब कुछ ठीक है। तो इसे ओपन करने के बाद थोड़ी धूल मिट्टी थे और एक वायर भी कटा हुआ था, तो अच्छा हुआ मैंने इसे खोल लिया, तो इसे भी मैं जल्दी से सोल्डिंग कर दिया और इसे परफेक्टली कर दिया। और ये हमारा ऑडियो आउट है, इससे ही हमारे सारे ऑडियो को आउट आएंगे। और ये हमारा कंडक्टर है, इसमें मैं सोल्डिंग कर दिया, और अब मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोस्तों, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, तो ऑडियो से मतलब है दोस्तों, ऑडियो सुनिए आप अच्छे से। और ये सॉन्ग कौन सा है आप कमेंट ज़रूर करें, और ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। और ऑडियो थोड़ा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह कनेक्ट किया है, अब ये अच्छे से कनेक्ट करेंगे ना तो उसके बाद साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। और हो सके तो इन सब सर्किट जो है मैंने आपको दिखाया, इन्हें एल्कोहल से धो दें, इनसे ये होगा कि इनके सारे डस्ट पार्टिकल्स निकल जाएंगे और कनेक्शन और भी अच्छे से हो जाए, तो एल्कोहल होना चाहिए
और ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसे अल्कोहल से धो दें और सुखा दें। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये बज भी रहा अच्छे से। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो सीडी प्लेयर जो मेन सीडी को रीड करके सॉन्ग प्ले करता था उसका सारे वायर कट चुके हैं, जिसकी वजह से इसे रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसका मेन जो वाइट कलर का पत्ती रहता है वो पूरी तरह से कटा हुआ था और उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसे नया ही लगाया जा सकता है। तो वो मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है तो मैंने इसके कनेक्शन नहीं किए हैं। कोशिश करूँगा फ्यूचर में इसके और एक वीडियो ले आऊँ, उसमें मैं आपको सारे कनेक्शन कर दूँगा और ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो मैंने इसे अच्छे से सेटअप से यहाँ जमा करके रख दिया है और ये पूरी तरह से, इससे अब हमें कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ ऑडियो के लिए ये अब यूज़ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।